चलिए जी, आ गए फिर से कुछ ढेर सारी ओपनिंग्स आप सबके लिए लेके। और ये सारी ओपनिंग्स मैक्सिमम बीम से रिलेटेड है, और जहां जहां के आप लोग लोकेशन बोलते हो वहीं ओपनिंग्स लाया हूँ। फटाफट इन ओपनिंग्स को देखिए, इनका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके अप्लाई करना गाइस। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो कोई भी हमारे घर पे आके जॉब नहीं देके जाएगा, ये फिक्स है। और साथ ही साथ आपको लगता है कि मेरा कोई दोस्त परेशान है जॉब के लिए, उसको यार ये लिंक शेयर कर दो ना, क्या जाता है आपका? अगर आप शेयर करोगे हो सकता है आपके एक छोटे से कर्मा से उसका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, उसके घर में एक अच्छी जॉब हो जाएगी, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगी और बहुत दुआएं आपको मिलेंगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ ओपनिंग्स है। ठीक है, बेहतर से बेहतर जितनी भी ओपनिंग्स है आप लोग देख लीजिए। इन ओपनिंग्स को सब मैक्सिमम ओपनिंग्स बीआईएम की है। बीआईएम की अपनी एक जो न्यू बैच चल रही थी, आप सबको पता होगा, 5th ऑफ जैन से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। कल मतलब आज से एक्चुअली, अगर देखा जाए तो आज से एक्चुअली मेन क्लास उसकी स्टार्ट हुई है। तो अगर कोई भी है कि मुझे सर सीखना है, तो एक दो लोग अगर सीखना चाहें तो आ सकते हैं, बाकी मैक्सिमम सीट तो फुल हो चुकी है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। रेविट मॉड्यूलर की प्रोफाइल है, बड़ी अच्छी कंपनी है, नीलसॉफ्ट पुणे की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, एमएनसी है। ठीक है, और इनके यहाँ पर बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, रेविट का अच्छा नॉलेज आप ले लीजिए। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में जान लीजिए, career@nilsoft.com पे डायरेक्ट इनको मेल कर दीजिए। और मेल में यूनिक सिविल का रेफरेंस अगर आप देंगे तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी होगी, ये मेरा कमिटमेंट है। दूसरी चीज, कवर लेटर और पोर्टफोलियो जरूर मेंशन करिए कि मैंने ये सीखा हुआ है, क्योंकि कंपनी को भी फील होना चाहिए ना कि यार ये कैंडिडेट राइट है। अगर आप अप्लाई करते समय ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं पोर्टफोलियो ऐसे बस अप्लाई करते ये 5 प्लेटफॉर्म पर बस गए क्लिक कर चले आए या किसी एक पर, नहीं होगी शॉर्टलिस्टिंग। प्रॉपर उनको देखिए, उन्होंने मेल आईडी क्यों दिया है, वो चाहते हैं कि आप अपने काम को बढ़िया तरीके से पोर्टफोलियो बना के सेंड करिए। कवर लेटर में लिखिए कि मेरे पास इन इन चीजों का नॉलेज है, अप्रोप्रिएट लगे किसी भी, अपने आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। चलिए भाई, नेक्स्ट जो ओपनिंग से वो है एन सर्किल टेक करके, पुणे की ही कंपनी है। बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल इनकी भी चाहिए, इनको चाहिए बीआईएम का एक अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए बीआईएम का। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो आप सबको आता ही होगा। ऑटोकैड और रेविट का अगर नॉलेज है तो लेट मत करिए, फटाफट अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करके आप देखिए, और ये सारे प्लेटफॉर्म से करिएगा, लिंक्डइन से जरूर अप्लाई करिएगा, शॉर्टलिस्टिंग होने का चांस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, वो रैमबॉल करके कंपनी है। क्या नाम है? रैमबॉल करके कंपनी है, रेवी स्ट्रक्चर पे। भाई रैमबॉल बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका एवरेज पैकेज आप देखेंगे तो आप ऐसे ही खुश हो जाएंगे। कोशिश करिए कि यहाँ से तो अप्लाई करिए ही, बट इनके लिंक्डइन से, और इनके कोशिश करिए कि इनके वेबसाइट पे जाके कैरियर्स में जाइए और वहां से अप्लाई कर दीजिए, तो शॉर्टलिस्टिंग का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, आप पैकेज देख रहे हैं, एवरेज पैकेज इनका कितना बेहतरीन है। ठीक है, तो मतलब मेरा तो कभी का ड्रीम था कभी, ठीक है, रैमबॉल जैसी कंपनी में, बट चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, वो है आर्चडीज कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल है ये। ठीक है, बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि इनको क्या क्या चाहिए। इनको जैसे कि माइक्रोस्टेशन एक कैट के जैसा ही सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी मैं इस पे भी कोर्स लॉन्च करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, या फिर आपको यूट्यूब पे मैं इसका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बता दूंगा। सिविल 3D भी लगभग ऑटो कैट जैसा ही, थोड़े से चीजें एक्स्ट्रा रहती है। अगर इनका नॉलेज है तो प्लान आप रिज्यूम में जरूर ऐड करिए, नहीं नॉलेज है दो चार वीडियो देखिए, कोई ना कोई बनाया होगा। किसी भी नई स्किल्स आपको लगता है कि सर ये स्किल्स के बारे में वीडियो कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे, तो प्लीज कमेंट करना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि मैं उसी कमेंट कंटेंट पर वीडियो आराम से बना के आपको बता सकता हूँ, और आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आपको कंटेंट मिल जाएगा वो जो यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके कुछ यूनिक टॉपिक्स जो आपको लगता है कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए प्लीज, तो फिर मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा। आरजेडीज करके कंपनी है, बी मॉडलर की प्रोफाइल है भाई, इनको सीनियर बी मॉडलर बोल दिया, मतलब समझ जाइए कम से कम 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, यूके बेस्ड कंपनी प्रोजेक्ट है, तो आप समझ जाइए कि इनका जो पैकेज होगा बहुत सुंदर होगा। ठीक है, कोई भी फॉरेन के प्रोजेक्ट आप करोगे किसी भी कंपनी में तो पैकेज हमेशा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनी। ऑटोकैड चाहिए, सिविल 3D चाहिए, इंफ्रावर्क चाहिए, नेविसर, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ खास बहुत बड़ी चीज नहीं मांगा इन्होंने, बट सीनियर लेवल के लिए चाहिए, बस नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर है अप्लाई कर दीजिए मुंबई के लिए, और क्या बोलते हैं, अगर हो जाता है तो मच बेटर फॉर यू। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, इनटेक इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके, गुड़गांव की कंपनी है। कहाँ की है? गुड़गांव की कंपनी है। ठीक है, इनको चाहिए बी मॉड्यूलर, जिसमें भी रेविट आर्किटेक्चर पे चाहिए इनको। ठीक है, तो इनके काम को आप यहाँ पर HR@intechinfra.com पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एचआर ने खुद मेल आईडी दिया, मतलब समझ जाए, इनको अपना पोर्टफोलियो भी भेजिए, इनको कवर लेटर भी भेजिए, और एक अच्छा सा एक्सप्रेशन भरा लाइन भी भेजिए, जिससे कि सामने वाले को लगे कि यार ये जो बंदा है इस प्रोफाइल के लिए अप्रोप्रिएट और परफेक्ट बंदा है गुड़गांव के लिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ हर जगह पहुंचू, तो मैं नोएडा भी पहुंचा था,
देखिए नोएडा के लिए कौन सी कंपनी है गाइस, ए कॉन्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मेरे ये जॉब ओपनिंग्स आपको कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर आप प्रोत्साहन देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा सर आपकी ओपनिंग्स मुझे अच्छी लगी या फिर यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। अपने भाव को जरूर व्यक्त किया करिए और लाइक करते समय तो मत ही चुका करिए, उसमें क्या ही जाता है, ठीक है। बट हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है, चलो समय निकालो। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है परसिस्टेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज, आर्च बी मॉड्यूलर करके प्रोफाइल है इनका भी, देखिए यहाँ पे इनका काफी दिन से ओपनिंग चल रही है। तो ptcon2020@gmail.com पे अप्लाई कर दीजिए, अगर आप आइडियल कैंडिडेट होंगे तो खुद ही आपको बुलाएंगे, आइडियल कैंडिडेट नहीं होंगे तो दूसरे जगह अप्लाई करेंगे। जूनियर बी मॉड्यूलर के लिए नागपुर की कंपनी है VDC करके, ठीक है VDC बहुत अच्छी प्रोफाइल है, अगर इस पे है इनका काम तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो इनका एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर उसके हिसाब से ये फ्रेशर्स कैंडिडेट है, क्या है ये फ्रेशर्स कैंडिडेट है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है गाइस वो है आर्ट करके, ठीक है बीम कोऑर्डिनेटर रेविट आर्किटेक्चर के लिए, अर्थ हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके पास जो वर्क है वह है रेविट का है, नेविसवर का है, बीम इंडस्ट्री से रिलेटेड इनके काम है, तो आप चाहें तो इनको अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है एम यूनाइटेड LTD मींस लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी है, बी मॉडलर की प्रोफाइल है, क्या टेंशन है, फ्रेशर लेवल की प्रोफाइल है क्योंकि इन्होंने पैकेज स्टार्टिंग से बोला हुआ है, ठीक है। अभी मत सोचिए कि आपको 51 ही मिलने वाला है, आपको यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर मिडल ऑफ दैट मिल सकता है, तो अप्लाई करते समय इस चीज को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस ये एक एमएनसी है, आर्चडेस करके बैंगलोर के लिए ओपनिंग है इनका, सोलर एनर्जी से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कंपनी के वेबसाइट के कैरियर्स में जरूर जाया करिए, और कैरियर्स अप्लाई करने से डायरेक्ट कंपनी को रिज्यूम चला जाता है, ये होती है थर्ड पार्टी, ये मैं अपने गुरुकुल में हमेशा बताता हूँ। थर्ड पार्टी मतलब सोलर एनर्जी एक थर्ड पार्टी है जिसके पास सारे रिज्यूम जाएंगे, अब वो डिसाइड करेगी मुझे किसका रिज्यूम भेजना है आगे, या फिर सामने वाले ने बोला मुझे 50 रिज्यूम दे दो तो केवल 50 देगी, बाकी रिज्यूम यहीं पर डिसमिस हो जाएगा, या फिर किसी कंसल्टेंसी जो फेक वाले आते हैं ना, 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसी कंपनियों से बिल्कुल सावधान रहिए मेरे दोस्त। आपसे कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म ने कोई इस तरीके का पैसे डिमांड या नहीं किया होगा, क्यों, क्योंकि ये सब फेक होते हैं, ठीक है। अगर मेरे भी कंपनी से कोई, फिलहाल मेरी कंपनी से कोई करेगा नहीं, कोई करता है कि यहाँ पर जॉब है ऐसे से है और ये इतना लाख रुपए दे दो, नहीं भैया बिल्कुल थोड़ा दबाओ, ठीक है। क्लियर कट की बात है कि आपका ये चीज जो आता रहेगा आपको, तो मैं न रोक पाऊंगा न कोई रोक पाएगा, आपकी जॉब ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्या आना चाहिए, रेव स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, या फिर MEP आना चाहिए, कोई एक ऑटोकैड आना चाहिए, ठीक है, डिजाइन को रिव्यू करना आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आता है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं। आपको माइक्रो स्टेशन आ रहा है, रेविट आ रहा है, सिविल 3D आ रहा है, ऑटोकैड आ रहा है, बीम आ रहा है, कौन रुकेगा, ऐसे ही आपकी जॉब लग चुकी है। चलिए भाई नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आर्चडीज बैंगलोर के लिए ही ये कंपनी है, बस इनका प्रोफाइल है बी मॉड्यूलर का, ठीक है, ये देख लीजिए इनकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट सही है तो आप इनसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं डायनेमो पर, ग्रास हॉपर पे अगर इनको नॉलेज है तो, ठीक है, और बीम वर्क फ्लो के बारे में नॉलेज है तो भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनका सिंपल सा वर्क है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है वर्चुअल कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन, बीम मॉड्यूलर के लिए है, नासिक की प्रोफाइल है, नासिक की कंपनी है, ठीक है, इनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर छोटी कंपनी है तो आप डायरेक्ट कॉल भी घुमाएं, तो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, भले भी मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सॉरी कंपनी तो कोई भी सब अच्छी होती है बड़ी होती, तो मैंने पहले भी इनकी कंपनी को ओपनिंग्स बताया था, कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया था। गाइस अगर आपकी कहीं पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, अगर कहीं पर आपको जॉब लगता है तो कमेंट करके बता दिया करो कि सर मेरी यहाँ पर जॉब लगी तो मुझे भी अच्छा लगता है। बीम आर्किटेक्ट्स करके क्या बोलते हैं रैबिट मॉड्यूलर के लिए प्रोफाइल है, ठीक है, रैबिट मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए यहाँ पर ओपनिंग्स है, यहाँ पर तो ओपनिंग्स पे आप अप्लाई कर दीजिए, और ये भी एक अच्छी कंपनी है, इनको चाहिए रैबिट का नॉलेज, स्केचअप का नॉलेज, रैबिट फैमिली का नॉलेज है तो मच बेटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मैत्री कंसल्टेंट करके कंपनी है, जो बी मॉड्यूलर के लिए है, औरंगाबाद की कंपनी है, ठीक है, इनको चाहिए मॉडल क्या बोलते हैं, इनको चाहिए कैट की ड्राइंग्स बनाना आना चाहिए, बीम मॉडलिंग करना आना चाहिए, ठीक है, और बीम के साथ कैट का नॉलेज अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट होगा, डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन रखिए तो आपके लिए और ज्यादा प्लस पॉइंट है, तो ये इनका काम है, पैकेज भी यार ठीक ठाक दिख रहा है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो गाइस रैबिट फैमिली के लिए, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी में, भले मत अप्लाई के लिए बट रैबिट फैमिली का नॉलेज जरूर रखिए, एक्सलाइज करके कंपनी है औरंगाबाद की, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, आई थिंक MNC है, आई एम नॉट श्योर, तो आप चेक कर सकते हैं, प्लस इनको ऑटोकैड रैबिट से केवल मतलब है, बहुत जल्दी इनका सिलेक्शन हो जाता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से अप्लाई कर दीजिए, होता है तो जाइए एंजॉय करिए जॉब करिए। एक्सलाइज कर कंपनी है उन्हीं की, मीन्स इन्हीं की कंपनी में ये फ्रेशर की प्रोफाइल है, और ये जो प्रोफाइल है ये एक्सपीरियंस की है, बीम इंजीनियर बीम लीड की,
आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं इनको, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। कभी भी किसी इंटरव्यू में जाओगे इस, तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन एकदम घोल के पी जाओ, ठीक है, क्योंकि इसी जॉब डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपके रिज्यूम से पूछा जाएगा। थर्ड, कहीं से भी कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, ये लिख के ले लो, जॉब डिस्क्रिप्शन और उनकी आपके रिज्यूमे, बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है कंपनी गाइस, वो एस्ट्रल इन्फोमैटिक प्राइवेट लिमिटेड, भी मॉड्यूलर के लिए नागपुर के लिए ओपनिंग है, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर लेवल कंपनी है, तो आप बिना टेंशन के जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग का चांस ज्यादा रहेगा। नागपुर वालों, मुझे थैंक यू बोलना होने के बाद, ठीक है। उसके बाद एडमायर टेक विजन LLP, LLP मतलब है कि छोटी कंपनी है, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के बाद लोग LLP में रजिस्टर करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर दीजिए। और इनके ये काम दिख रहे हैं आपको, फ्रेशर लेवल का पैकेज भी है, ठीक है, तो मैंने सही आपको बताया सब कुछ, आप अप्लाई करिए और अगर होता है तो गुड। एक है हरिवंदना कंसल्टेंट, ये भी छोटा फॉर्म ही है, और इस फॉर्म में आप भी मॉडल की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, मतलब फ्रेशर तौर पे भी रख लेंगे, और गुरुकुल में जो लोग सीख रहे हो तो जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि 6 मंथ का तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको मिलता ही, और हमारे पास जो सीखता है 4 महीने का, वो 6 मंथ के बराबर ही सीखता है, इवन ज्यादा ही सीखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। मेरा ये काम आपको कैसा लग रहा है, अपना बिना भाव व्यक्त किए मत जाया करिए, ठीक है, भाव व्यक्त कर दिया करिए, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी, बट नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं आपका अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था हूँ और रहूंगा। आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारी उपलब्ध लाता रहूंगा, आप लोग ऐसे प्यार बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर नीचे एक टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप चाहे तो कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि सारे लिंक्स वहां पर भी मिलते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अप्लाई करना।